दिल्ली कैंट की बहुत ही फेमस बहुत ही खतरनाक रोड। सामने ये देखो पूरी बैरिकेडिंग वगैरह हो रखी है। अब करते हैं भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। ईएमएफ मीटर में साथ लेके आया हूँ भाई। ये देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, सामने पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वॉर सिमेट्री। भाई एक हाथ में लाइट लेके तुम्हारा भाई आ चुका है जंगल के अंदर। टेम्परेचर जो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 24 से 25 डिग्री के बीच में वेरिएशन आ रहा है। इतनी रात को आने का जिगरा और किसी में नहीं, और वो भी अकेले आने का। व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। और अभी भाई पीछे देख लो, मेरे पीछे जो आप ये रोड देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी रोड हॉन्टेड है। और बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, ये रोड है दिल्ली कैंट की बहुत ही फेमस बहुत ही खतरनाक रोड। भाई ये देख लो, ये गाड़ी लगा रखी है मैंने यहाँ पे, वहाँ से ये रोड शुरू हो जाती है। स्टोरी मैं तुम्हें बता दूंगा जिसे नहीं पता है। और ये है पूरी रोड आगे तक ना, बिल्कुल आगे तक है, कम से कम ये 2-2.5 किलोमीटर लंबी रोड है। और मैं अकेला आया हूँ आज शूट करने के लिए। अभी गाड़ी में बैठते हैं, फिर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ और फिर मैं आगे का प्लान बताता हूँ, मेरा प्लान क्या है यहाँ का। भाई आप कभी भी नेट पे सर्च कर लेना दिल्ली कैंट हॉन्टेड रोड लिख के, दिल्ली की क्या पूरे इंडिया की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक जगह बताई जाती है ये। और यहाँ पे ना मैं लगभग 5-6 साल पहले आया था, तब भी शूट करके गया था, लेकिन तब हम बहुत सारे लोग थे, तो मेरे को लगा कि यार एक बार मेरे को अकेले जाके आना चाहिए। कुछ गैजेट भी अपने पास में पड़े हैं, देखूंगा मैं, अगर मौका लगा तो मैं उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करके देखूंगा। और अकेले हम देखेंगे कि हमसे कोई लिफ्ट मांगते कि नहीं मांगती, क्योंकि इस रोड पे बताते हैं कि भाई एक लेडीज थी जिसने कुछ लोगों से लिफ्ट ली थी, उन लोगों ने उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। उसके बाद में इस पूरी रोड पे ना लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि वो लेडी भूत बन के वापस आ चुकी है और अब वो लिफ्ट मांगती है। अगर कोई रोक लेता है तो भी उसे मार देती है, कोई नहीं रोकता ना तो ये जो साइड वाला शीशा होता है ड्राइवर साइड का, इसके साथ साथ में भागती रहती है। ये स्टोरी है यहाँ की। अभी देखते हैं भाई अपने साथ में क्या होता है। अब भाई सामने आप ये रोड देख लो, यही वो मेन रोड है दिल्ली कैंट वाली। और मेरे पास में भी कैमरामैन तो है नहीं कि मैं आपको चारों तरफ का दिखा पाऊँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको रोड दिखा रहा हूँ, ताकि पहले एक बार राउंड लेके देख लेते हैं। अगर हमें कोई भी नेगेटिव चीज़ फील होती है तो हम आगे अभी कुछ करेंगे, नहीं भी होती है तो भी आप एक बार रोड देख लो, कितनी सुनसान रोड है, कोई नहीं आता रात को यहाँ पे, और पूरे ना दोनों तरफ जंगल ही जंगल है इस रोड पे। तो एक बार नॉर्मली राउंड मार के देख लेते हैं, कोई अगर हमें मिलता है, कोई आत्मा या कोई बंदा भी मिलता है तो उससे भी बात करके देख लेंगे। और फिर देखते हैं यार कहीं पे ना साइड में गाड़ी लगा के फिर गैजेट से इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे। बट फिलहाल आप ये रोड देखो भाई, मतलब इतनी सारी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है बट स्टिल ये इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी रोड है और सुनसान है कि पूरा अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है पूरी रोड पे। अब देखते हैं भाई कितनी लंबी ये रोड है। ऑल्दो मैंने आधी रोड कवर कर ली है, फिर भी आगे की तरफ चलते हैं, कुछ दिखता है कि नहीं। आप ध्यान से देखते रहना भाई दोनों साइड रोड के, कहीं कोई लेडीज बैठी हो और मेरे से लिफ्ट मांग ले, मेरी गाड़ी में आके बैठना चाहे तो बिठा लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। ये आगे की तरफ ना अब वो आर्मी एरिया आ गया है। अब यहाँ मुझे कैमरा डाउन करना पड़ेगा, वरना अगर किसी आर्मी वाले बंदे ने देख लिया ना तो वो मेरे से सवाल जवाब करने लग जाएगा भाई। ये देखो ये लेफ्ट साइड से ना आर्मी का एरिया चालू हो जाता है रात में। इस टाइम पे आर्मी एरिया में घूमने का मतलब है कि आप एक शक के दायरे में आ जाते हो कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई टेररिस्ट तो नहीं है। तो मैं कैमरा डाउन कर लेता हूँ भाई। ये कैमरा मैंने अपनी साइड कर लिया है और मैं दोनों साइड आपको देखते देखते बता दूंगा। और ये देख लो भाई साहब ने, ये देखो पूरी बैरिकेडिंग वगैरह हो रखी है। तो भाई यही चक्कर है, मैं तभी कह रहा था ना कि यहाँ पे ना रुक के शूट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। भाई ये देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, सामने पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वॉर सिमेट्री। दिल्ली कैंट वाली ही इसी रोड पे ना वॉर सिमेट्री है, जिसमें सैनिकों को दफनाया जाता था, शायद अभी भी दफनाया जाता है। और ये सामने की तरफ इसका मेन गेट है भाई, अगर आपको दिख रहा हो तो पूरा अंधेरा हो रखा है। सामने की तरफ ये मेन गेट है, अगर आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा ना, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो शायद आपको बहुत कम दिखाई देगा, ये इसका मेन गेट है। देख लो भाई वापस आ गए उसी रोड पे, और सामने तुम देख सकते हो यार पूरा सुनसान एरिया। भाई तुम ये सोचो ना, दिल्ली जैसे मेन एरिया के अंदर इतना सुनसान एरिया होना तुम सोच रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इस अफवाह के चलते पूरा सुनसान हो रखा है। और भाई देख लो कहीं भी कोई तुम्हें चुड़ैल उड़ैल दिख रही हो। बाकी मैं पता क्या करूँ अभी, अब रोड पे अगर कोई नहीं मिला ना तो मैं इन्वेस्टिगेशन गाड़ी के अंदर नहीं बैठ के करूँगा, मैं ना थोड़ा सा ना अंदर जंगल है ये, तो इधर जंगल की तरफ जाके करके देखूंगा कि भाई क्या पता जंगल के अंदर कोई हलचल हो जाए। फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक नेचुरल वाइब दे रहा हूँ, एक नेचुरल फील ले लो, रो फुटेज है बिल्कुल, कि हाँ भाई तुम देख लो कि कोई सच में भूत नहीं आती है लिफ्ट मांगने के, नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन वाला काम गैजेट वाला काम हम बाद में करेंगे।
तो लो जी भाई, रोड पे उतर चुका हूँ मैं, तुम्हें दिख रही होगी पूरी रोड। और थोड़ा सा ना आज एडजस्ट कर लेना, बहुत तगड़े तरीके से मैं दिखा नहीं पाऊंगा तुम्हें शॉर्ट्स वगैरह। ये देख लो, अब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये वाले जंगल की बात कर रहा था मैं, ये पूरा का पूरा ना जंगल है। अब इसके पीछे बहुत अंदर तक जंगल है, तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को ना थोड़ा सा और दबा देता हूँ साइड में, ताकि अगर कोई बाई चांस आर्मी वाले आते भी है तो उनके लिए रास्ता बचा रहे। और उसके बाद में ना कहीं से कूद काद के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले आप देख लो रोड पे एक बार, फील ले लो पूरा। सुनसान रोड पे तुम्हारा भाई अकेला, आज भूत पकड़ के दिखाएंगे तुम्हें तगड़े वाले। भाई एक हाथ में लाइट लेके तुम्हारा भाई आ चुका है जंगल के अंदर, और बड़ी मुश्किल से मैं अंदर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी ना तुम्हें दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देख लो भाई, तुम पूरा का पूरा जंगल है, और दूर दूर तक जंगल है भाई। ये पूरा आगे तक ना जंगल ही जंगल है, और तुम्हें दिख रहे होंगे नीचे झाड़ियाँ, देख लो कितनी झाड़ियाँ हो रही है। मतलब सांप बिच्छू विच्छू कुछ भी हो सकता है। उधर इधर की तरफ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो पूरा जंगल है भाई। और इधर की तरफ से ना ये टूटी हुई दीवार थी, ये टूटी हुई दीवार की तरफ से ही मैं निकल के इधर आ पाया हूँ, वरना उतनी ऊंची ऊंची दीवार पे कूद के आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता काम। और ये पूरा पीछे तक जंगल ही जंगल है, जहाँ तक नजर जाएगी ना पूरा जंगल है। अब करते हैं भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। EMF मीटर मैं साथ लेके आया हूँ, लाइट देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया दीवार के ऊपर ना। EMF मीटर लेके आया हूँ मैं, और एक अपने पास में इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी है। बस मैं थोड़ा थोड़ा ना बार बार पीछे घूम के देखता रहूँगा कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा बस वो आर्मी वालों की दिक्कत है, और तो सब सेफ लग रहा है मुझे। ये है भाई थर्मोमीटर, पहले इससे मैं टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। यहाँ का टेम्परेचर जो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 24 से 25 डिग्री के बीच में वेरिएशन आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर इधर की तरफ का ये देखो, लाइट के ऊपर टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म आ रहा है, क्योंकि लाइट गर्म हो गई है ना चल चल के, इस वजह से देख लो 29 डिग्री तक पहुँच रहा है। पर नीचे का टेम्परेचर काफ़ी सही है, 24 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये थर्मोमीटर भी सही काम कर रहा है, और अभी नॉर्मल दिल्ली का ना टेम्परेचर भी यही चल रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर में। तो सो इसका मतलब भाई टेम्परेचर वाइज तो एकदम नॉर्मल है जगह, टेम्परेचर में कोई भी ऐसी हलचल नहीं हुई है कि हम इस जगह को पैरानॉर्मल बोल सके। ये भाई EMF मीटर को ना मैं यहीं पर सेट कर देता हूँ, और लाइट उठानी पड़ेगी ताकि आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे। क्या कोई है यहाँ पे मेरे अलावा जो मुझसे कुछ बात करना चाहता हो, या अपने होने का मुझे एहसास करवाना चाहता हो? अगर कोई है तो सामने इस EMF मीटर के पास आओ। लोग बताते हैं कि यहाँ पे किसी तरह की कोई आत्मा घूमती है, अगर ये बात सच है तो क्या आप मेरे आसपास आ सकते हो एक बार? लोग कहते हैं कि एक महिला का यहाँ बेरहमी से खून कर दिया गया था, और वो अब यहाँ आने वाले लोगों को परेशान करती है। अगर ये बात सच है तो क्या आप इस मीटर के पास आ सकते हो एक बार? अगर आप इसके पास आओगे तो इसके अंदर कुछ लाइटें जल जाएगी। भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है EMF मीटर में, थोड़ा सा मैं हाथ में लेके देख लेता हूँ। अगर कोई है यहाँ पे जो मुझसे कुछ बात करना चाहता हो, या अपनी कोई बात कहना चाहता हो, तो क्या आप इस मीटर के या मेरे आसपास आ सकते हो एक बार? मैं आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अगर आप यहाँ पे रहते हो या आप यहाँ से मुक्ति पाना चाहते हो, तो क्या मेरे आसपास आ सकते हो एक बार? भाई मीटर के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही है, एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ है मीटर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मेरे वायरलेस माइक के पास जाते ही देख रहे हो, मीटर के अंदर देखो कितनी सारी लाइट जल रही है। इवन पांच वाली लाइट जो है, बिल्कुल फिफ्थ लाइट, वो भी टच हो रही है। और अगर मैं दूर ले जाता हूँ तो एकदम ब्लैंक है। तो इसका मतलब कोई स्पिरिट वाली तो एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है, ना ही कोई थर्मामीटर में टेम्परेचर से कैप्चर हुई, और ना ही ये EMF मीटर से कैप्चर हुई। सिर्फ ये हमारे इसकी रेडिएशन की वजह से थोड़ी बहुत ब्लिंक कर सकती है। ऑल दो नॉर्मली तो भाई कोई भी यहाँ पे मेरे को कैप्चर होने वाली चीज़ फील नहीं हुई है। तो भाई यही है यार, अकेले आया हुआ था इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी देख लो जंगल के अंदर आके भी आपके लिए इन्वेस्टिगेशन कर दी है मैंने। अभी वही है, एक हाथ में लाइट पकड़ के शूट करना भी बड़ा भारी काम हो रहा है, वरना तुम्हें पता ही है अगर मैं टीम लेके आता तो मैं बहुत तगड़े तरीके से भी कर देता इन्वेस्टिगेशन। सो यही है, जंगल आपको दिख ही रहा है,
अभी एक लाइट पकड़ के तो यार इतना ही दिखा पाऊंगा मैं, बाकी मैंने आपको दिखाई दिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे हिसाब से तो कोई भी एनर्जी यहाँ पे स्पिरिट यहाँ पे नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो ना और भी लेके आऊँगा जिसमें अलोन चैलेंजेस करूँगा मैं और कोशिश करूँगा थोड़े और बेहतर तरीके से शूट कर पाऊँ। बट फिलहाल इस वीडियो को प्यार दिखा देना भाई।